चाची, अरे ओ चटपटी चाची। हाँ, क्या बात है? अरे सुना तुमने टीवी में क्या न्यूज आ रही है? कह रहे हैं कि कहीं कहीं पे लॉकडाउन खुल रहा है। चाची वो कह रहे हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें अब सामान देसी खरीदना है अपना यहाँ का बना हुआ। ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये तो करना ही पड़ेगा हमें। इतने साल पहले गांधी जी ने क्या चलाया था? स्वदेशी आंदोलन। यही तो है आत्मनिर्भर का। और क्या होता है स्वदेशी आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन होता है आपू कड्डो, आपू पकाओ, आपू पाओ, आपू खाओ। पर ये सब पॉसिबल कैसे होगा? क्यों नहीं, सब पॉसिबल हो जाएगा। करना की है असी उत्थे जाना है, दुकाना ते जाना है, मार्केट ते जाना है। उन्होंने इयो कहना है कि सानू तुसी लोकल प्रोडक्ट दे दो, लोकल चीजा तुसी लो उधरों। ओक्सी ना गाना मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। बस तुसी कहने सानू मेड इन इंडिया चीजा दो, लोकल हो जाएगा। तो सारे अगर वो लांगे तो फिर क्यों नहीं आत्मनिर्भर होवांगे असी। चाची एक बात बताइए कि हमें क्या जरूरत है बाहर की चीजें खरीदने की? क्यों खरीदते हैं हम बाहर की चीजें? साड़ी ना मत मर गई है। हमने ढेर इंजीनियर बना दिए, डॉक्टर बना दिए, आईटी के लोग बना दिए, दुनिया भर के लोग बना दिए, पर सबको बाहर में भेज दिया। और अपनी जो चीजों की क्वालिटी थी ना वो हमारी हो गई डाउन। अब डाउन क्वालिटी में फिर लोग क्या करते हैं, विदेशों पे जाते हैं, विदेशों से सामान लाते हैं, खरीदते हैं, और अब वो लोग भी हमारे यहाँ आके अपनी विदेशी चीजें बेचते हैं। इसलिए हमारी क्वालिटी खराब है। अगर क्वालिटी ठीक हो जाए ना तो कोई बंदा है ना बाहर की चीज लेगा? अपनी क्वालिटी नु इम्प्रूव करो, करो ना उन्होंने, ठीक हो जाएंगे सब। चाची मेरी बहुत इच्छा है कि हम ना आपके नाम से ना कोई दान दे के आए, किसी एनजीओ को, किसी फाउंडेशन को। आपकी कोई पहचान है तो बताइए ना। तू ना पगली है, ये अभी टाइम नहीं है एनजीओ और फाउंडेशन को देने का। अगर देना ना, सबसे बढ़िया क्या चीज है? सबसे बढ़िया ये चीज है कि हम जितने भी ये छोटे छोटे हमारे पटरी के ऊपर छोटे घरों में रेड़ी लगा रहे हैं, इन सबको हम काम दें। काम देंगे तो उसके अंदर उनका उत्साह बढ़ेगा, उनको कितनी खुशी मिलेगी कि हमें काम वापस मिल रहा है। 2-2.5 महीने हो गया उन्होंने कोई काम नहीं लिया। और देख मैंने तो अभी कल ही ना अपनी 2 साड़ियां निकाल के, 2 छोटे दर्जी थे घर के बाहर बैठे थे, मैं उनको देखे आई हूँ। मैंने कहा एक को बोला तू बैग बना, और एक को मैंने बोला तू इसका ना मुंह पे बनाने का मास्क बना दे। अभी ना कुछ लोगों के ऑफिस भी खुल रहे हैं, लोग काम पे जाना शुरू करने वाले हैं, पर पता नहीं कितने लोगों की पगार कट रही होगी। ना भाई ना, ना 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 ना, एक काम नहीं करना। देखो हमारे यहाँ इतने लोग काम करने आते हैं, हमारे घर की साफ सफाई करते हैं, और कितने काम करते हैं हमारे ऑफिस में, कितने लोग काम करते हैं। पगार नहीं काटना, उनकी नौकरी नहीं उतारना, ये बहुत बहुत ही सबके लिए मुश्किल टाइम है, उनके लिए ज्यादा मुश्किल टाइम है। देखो 2-3 महीने की तो बात है तनख्वाह की, दे दो, यही तो आपका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है देश के लिए। आप उनको खुशी खुशी पैसे दो, उनके अंदर उमंग जगाओ, उत्साह जगाओ, देखो वो कितनी खुशी से आपका डबल काम करेंगे। और जब उनके अंदर ये खुशी होगी, उमंग होगा ना, तो आशा की किरण आएगी, और इससे सबको खुशियाँ भी मिलेंगी, और सारे बहुत दिल लगा के काम करेंगे, तो हमारा देश हो जाएगा सुपर सोनिक। बनाना ना ये हमने काम करना है। हमारी आपसे दरखास्त है कि प्लीज आप अपना फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिएगा, साबुन से हाथ धोइएगा और मास्क पहने रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम हम अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।